एकदम स्वस्थ प्रसन्न है सर। अच्छा, आपने ईमेल आईडी नहीं भेजी? मैं अभी आज हमने हमसे थोड़ा सा मिस हो गया। हाँ, मैं अभी जस्ट दो मिनट में दे रहा हूँ। अच्छा, आप अपने उसके बारे में बताइए, आप कुछ बता रहे थे उस दिन, थोड़ा ब्रीफ नहीं कर पाए थे। नहीं, एक्चुअली हमारा जो है, हमने एक स्कूल बनाया है, उसका नाम रखा है किसान समृद्धि विद्यापीठ। ओ ग्रेट। और उसका मैं हमारा टारगेट है कि 2 एकड़ खेत में साल भर में किसान जो अभी 40-50 हजार रुपए कमा पाता है, हमारा टारगेट है कि 2 एकड़ खेत में 2 लाख से लेके 5 लाख रुपए किसान कमा लेगा। ओके। और वो हमने एक जीवंत मॉडल दिया है, अपना खाद, अपना बीज, अपना पानी, अपनी गैस। और एक ऐसे समझाओ जरा। उसमें हमने सर जो किया हुआ है कि 2 एकड़ खेत जो 2.33 एकड़ मेरा खेत है, ओके, उसको हमने 3 तरफ 8 फुट चौड़ा 10 फुट ड्राई जोन में है वो, तो 3 फुट 8 फुट चौड़ा 10 फुट गहरा नाला बना दिया। ओके। तो उसमें पानी हो गया, और पानी के कारण क्या हुआ, जब नमी हुई तो चारों तरफ पेड़ खड़े हो गए। ओके। तो 3 फुट तो गहरा कितना है? 8 फुट चौड़ा 10 फुट गहरा। 10 फुट गहरा। ओके। तो वो जो पानी ये एंड टू एंड है, ये जहां से जैसे खेत चालू हुआ उसको हमने एक 3 तरफ बनाया है हमने, और उसमें राइट साइड से जो नाला जा रहा उस पर एक तालाब बना दिया, और लेफ्ट साइड से नाला जा रहा उस पर एक तालाब बना दिया। ओके। इसका मतलब है कि जो एक नाला जा रहा है उसको आपने दोनों तरफ स्टॉप बना के एक तालाब का शेप दे दिया है। दो तालाब बना दिए, एक राइट साइड और लेफ्ट साइड भी। ओके। तो उससे क्या हुआ कि वाटर लेवल हमारा 15 फुट ऊपर आ गया। कितना है वहां पानी का लेवल? वाटर लेवल हमारे क्षेत्र में 30-31 फुट का था, इस हमारे यहाँ मई जून के महीने में भी 15-16 फुट पर पानी रहता है। ओके। और ये कितने साल हो गए हैं? मैंने 2007 में प्रारंभ किया था, तो समय तो काफी लंबा हो गया है। हाँ हाँ, समय लंबा हो गया है, लेकिन अब क्या है कि जैसे नहीं, हमारा टारगेट है कि हम 2 या 3 साल में 8 फीट तक पानी लेके आए। 3 साल में आ जाएगा, हमें इसलिए हुआ कि हम छात्र थे, हम जानते नहीं थे किसी चीज को। ओके। तो इसमें बेसिकली जो आप कर रहे हो, आपके बगल में नाला है, हर खेत के बगल में नाला नहीं होगा? नहीं, नाला नहीं था हमारे यहाँ, हमने नाला हमने बनाया है ये। नहीं तो पहले नहीं था नाला, हमने तो अपना जो हमारी मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड की जो हमारी जो बाउंड्री थी, मतलब जो वो थी, कोई भी किसान यदि अपने खेत पर पानी को रोक ले, तो मैं तो बुंदेलखंड की बात कर रहा हूँ, और सब जगह बुंदेलखंड में जो जिसको ड्राई जोन के रूप में कहा जाता है, बुंदेलखंड में इजराइल से 2 गुना से अधिक पानी बरसता है हमारे यहाँ, जिसको पूरा सूखा क्षेत्र कहते हैं। दो इश्यूज है, एक तो पानी इकट्ठा करने का है, और दूसरा फ्लड में कन्वर्ट ना हो और वो समुद्र में जाके ना मिले, कम से कम मिले। जी जी जी। थोड़ा बहुत तो पहुंचेगा ही, लेकिन जी जी, तो उसका मतलब ये है कि हम पानी के बहने की गति को कम करें, पानी को रोकें और पानी को नीचे जाने दें। राइट। जी 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 जी। अब अकेला नाले में करेंगे तो नाले की संख्या सीमित है, तो हम सभी खेत का जो है एक सर्टेन एरिया, 1/4 एरिया, 1/5 एरिया, 1/6 एरिया एक नाले के फॉर्म में जो है गहरा करके, जैसा आपने कहा 10 फीट गहरा, ऐसा ही विचार है उसमें। और वो जो है एंड टू एंड कनेक्टेड होगा, मतलब जी जी, वो आगे जाके दूसरे खेत में भी कनेक्ट होगा और दूसरे खेत में भी गड्ढा होगा। जी जी जी। मतलब ये गड्ढा जो है ना, मिलते 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 देखा जाए तो दूसरी तरफ यदि कोई नदी है तो उससे मिल जाएगा। जी जी जी। ठीक है ना, तो देखा जाए तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर वाटर टाइप का हो जाएगा। जी जी। है ना, रिवर वाटर ना कहें तो वाटर स्ट्रीम कह दें, बिल्कुल ठीक, वाटर के नाले कह दें, जो भी कहें उसको। नहीं। जी जी जी। अच्छा, फिर तो हमने एक तो हमने जो पानी की समस्या के लिए जो आज अच्छा बुंदेलखंड में हो, आने वाले समय में देश में जो पानी का संकट या दुनिया में आने वाला है, इसका कोई समाज कोई कारण नहीं है, कारण हम लोग स्वयं है, सॉल्यूशन हम लोग स्वयं है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। दूसरा बात जो है कि जो हमारी जो खेत की फर्टिलिटी बढ़ाना, हमारा खेत ऊसर था तो हमने अपने खेत पर गाय रखी है, और हमने पहले दिन से यूरिन कलेक्शन की व्यवस्था की। मेरे पास जब एक गाय थी, इसमें मेरे पास 28 गोवंश है, तो मेरे पास केवल सिर्फ एक गाय थी, गाय का नाम मैंने लक्ष्मी रखा, बछिया का गायत्री, और उसके मूत्र के कलेक्शन की व्यवस्था फर्स्ट डे से मैंने की। फर्स्ट डे में मेरे पास जब एक गाय थी तब मैंने बायोगैस लगाया। ओके। तो यूरिन कलेक्शन और गोबर का प्रबंधन बायोगैस, ये दो चीजें यदि हो जाती हैं, यानी यूरिन कलेक्शन, बायोगैस और जितना वनस्पतिक अवशेष है उसका प्रबंधन,
तो हम इतनी गैस प्रोड्यूस कर ले जाएंगे, इतना खाद बन जाएगा, जो 5 लाख करोड़ रुपए केमिकल में व्यय हो रहा है देश में, वो हमारा 5 लाख करोड़ रुपए बच जाएगा। गुड। दो बात, तीसरी बात जो है कि हेल्थ पर जो इतना हमारा खर्चा हो रहा है, हम इस तरह का यदि हम भोजन करेंगे जिसमें, क्योंकि हमारे पास में आयुर्वेद के बहुत सारे ग्रंथ हैं, भाव प्रकाश निघंटू, आयुर्वेद सार संग्रह, चर्क संहिता, सूत्र संहिता, तो कल जो आपने मुझे आपके बहुत कि आपका जो प्लान है वो केवल एक चीजों को लेकर नहीं है, कोई एक एक विषय को पकड़े। आपने कल जो मुझे बताया, ब्रीफ किया कि आप लोगों का मनोरंजन भी होना चाहिए, मतलब वो भी हो जो हेल्दी मनोरंजन हो, फिर आपने सोच को प्रभावित करना है। जी जी जी। तो यदि वो सोच कहाँ से आएगी, वो सोच मनोरंजन में भी आपका वही सोच जाना। जी 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 जी। तो इंफोटेनमेंट, उसमें इंफॉर्मेशन भी है और एंटरटेनमेंट भी है। जी जी जी। इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट मेक्स इंफोटेनमेंट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो दूसरा हमने ये बनाया हुआ है, तीसरा हम अपने ही खेत पर, हम एक 7 मंजिल बिल्डिंग ले जा रहे हैं 62x27 को, जिसमें हम नीचे गौमूत्र और गोबर का प्रोडक्ट हम लोग चालू कर रहे हैं, इसी 15 नवंबर के पहले चालू हो जाएंगे। ग्राउंड फ्लोर हमारा बन चुका है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में इसलिए देर लगी। इसमें आपने मटेरियल क्या यूज किया? नहीं, अभी तो बिल्कुल गिट्टी सीमेंट बालू जैसा बनता है, क्योंकि हमें कम जगह में ज्यादा ऊपर ले जाना था, न्यूनतम हमारा 7 मंजिल ले जाना, क्योंकि उसमें योग भी, नेचुरोपैथी भी, लिफ्ट भी लगा रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं, तो उसके लिए कॉलम बना लेते, बाकी चीजें जो है ना, हम ब्रिक का जो है ना, हालो ब्रिक और ऐसा कोई फंडा यूज करते। हाँ, अभी अब करने वाले हैं, मतलब आगे चल के अब तो उससे क्या है कि आपकी कॉस्ट कम होगी। हाँ, अभी और आपके कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी जो है वो जी जी ग्रीन हो जाएगी। जी जी जी। अभी तो अभी जो है कंक्रीट में हमारा जो मकान है वो सांस नहीं लेता है, राइट? हाँ, यदि वो ऑर्गेनिक मकान होगा तो वो सांस लेगा, इट विल बी ए लाइव हाउस। तो अब हम आगे चल के कर लेंगे इसको, अब चूंकि ग्राउंड फ्लोर अभी हमारा बना है, ग्राउंड फ्लोर कहेंगे या बेसमेंट कहेंगे, आजकल तो वो उसको बेसमेंट कहते हैं, ग्राउंड फ्लोर भी कहाँ कहते हैं, तो वो बना है। अब आगे चल के जो ले जाना है वो हम इसी तरह का ले जाने की योजना है, और ये ऐसी योजना है कि हम उसको इतना हवादार बनाएंगे कि लाइट हो ना हो कोई, और हमारे खेत पे लाइट भी नहीं है, सारा सोलर पर हम सिस्टम चला रहे हैं, मतलब अभी भी हम वो लाइट का कनेक्शन भी नहीं लेना है। मेरे बेटा है जो मेरा, नहीं नहीं, लाइट का कनेक्शन जरूर लो, जिससे आपका जो ओवर प्रोडक्शन हो तो आप ग्रिड में सप्लाई करो। जी जी जी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने के लिए कनेक्शन मत लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए कनेक्शन लीजिए। जी जी जी, ठीक बात है। तो दूसरा जो होगा, तीसरा हमारा एग्री इंडस्ट्रीज पर काम चल रहा है कि हम जो किसान माल पैदा करता है वो मंडी में ना बेचे, उसकी प्रोसेसिंग पैकेजिंग करे और सीधे फार्म टू किचन। तो हमने एक दो झांसी में हमारे आउटलेट बने हुए हैं, और हमारा FPO बनाया हमने, एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें 847 फार्मर है हमारे उसमें। हम लोगों ने एक FPO का चौपाल के नाम से एक आउटलेट भी बनाया है। तो और उसमें हमारा टारगेट है कि किसान का जो सामान आएगा और वो सीधा कंज्यूमर तक जाएगा, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होगा, केवल हमारे जो FPO के जो हमारे फार्मर होंगे, अभी तो मैक्सिमम पुरुष है हमारे पास में, लेकिन अब आने वाले समय में हम केवल महिलाओं को जोड़ने वाले हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा मॉडल हमने बनाया है, जिसका हम एक एक चीज को हम तो देखा जाए तो ये देखा जाए तो हमारे उसका एक थोड़ा सा मिनिएचर टाइप का कहें, जो जो चीजें कल आपने कही थी। हाँ। इसमें हमारा पास में 90% चीजें हम इसको अपने सेंटर पर डेवलप कर रहे हैं, मतलब जिसमें हमारे पास में इनकम जनरेशन भी होगा। अच्छा, दूसरी बात है कि आपने जो ऑलरेडी ज्ञान है उस ज्ञान को क्योंकि आपका तो खैर चलो एक दतिया झांसी के बीच में हो गया है टाइप का, जी जी है ना। बेसिकली जब हम ऑल इंडिया लेवल की बात करेंगे तो ये पूरे इंडिया का होगा, राइट? जी, तो इंडिया की क्लाइमेटिक जोन की बात करना होगी, फिर वहाँ पे कौन सी सैपलिंग कहाँ पे आना चाहिए इसकी बात होना चाहिए, फिर किसी को सैपलिंग का ही काम करना चाहिए, ठीक है ना जी, तो उसमें पेड़ बनाए और वो जो है कोशिश करें कि नर्सरी में ही उनकी एज जो है वो 4-5 साल की हो जाए, तो उनको खेत में कम देख रेख की जरूरत होगी, ठीक है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट के साथ जो है तो इसमें बहुत सारा होमवर्क जो है वो इस बात का करना है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है। जी, तो गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा हुआ, जैसे आपने FPO प्रोड्यूस किया, हमें अच्छा लगा, क्योंकि FPO इज नाउ द ये नया कॉन्सेप्ट आया है जो कि एग्रो पॉलिसी का हिस्सा है, जी जी, जिसमें फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप है,
फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फार्मर स्मॉल फार्मर्स जो है कंजोर्टियम्स हैं, देन जो है ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनसे उनको इंटीग्रेट किया गया, नवाज से इंटीग्रेट किया गया। जी तो इसमें जो लोग हैं उन सबका जो क्या क्या स्कीम्स हो सकती है, नंबर वन, नंबर टू उनकी कोडल फॉर्मेलिटी क्या है, नंबर टू, और उसको जो है सीएफपी उन कोडल फॉर्मेलिटी को कंप्लीट कराए, राइट, जी इससे हर व्यक्ति को जूझना ना पड़े। जी हर व्यक्ति जूझता है तो आदमी से अलग से फिर पैसा खाने की बात करता है, सीएफपी की तरह पैसा खाएगा तो ट्रैप कर लेगी सीएफपी, जी है ना, सीधे जेल भेजने की व्यवस्था कर देगी। जी तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ज्यादा पावरफुल होती है। हर छोटे आदमी को हर कोई दबाने की कोशिश करता है, जैसे जो करिए आपका 2 एकड़ का वो है, अब जो है ना बगल वाले को आपसे जलन हुई, उन्होंने एक झूठी शिकायत कर दी, पुलिस वाला लेके पकड़ के आपको थाने में बैठा दिया। किस आशा से बैठा दिया कि चलो भाई श्याम बाबू जी से कुछ धन पानी मिल जाएगा। तो ये फोर्सेस जो है ना, नेगेटिव फोर्सेस जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे जब एक बड़ी संस्था जो है ना का उसके ऊपर अम्ब्रेला रहेगा। मतलब छोटा मॉडल में आपको हर चीज खुद स्ट्रगल करना है। बिल्कुल सही, ये आपको स्ट्रगल क्यों करना चाहिए, सोचने से लेके पेपर फॉर्मेलिटी से लेके आपको जो ना हर किसी को गाय कौन कौन से बंस की गाय हैं और क्या उनकी ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग कैसे हो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कितना हो, क्या हो, ये सब ज्ञान की क्या जरूरत है। जी स्पेशलाइज ब्रीडिंग सेंटर्स पे जो है हाई यील्डिंग जो है ना इंडियन काउ पैदा की जाए, उसमें जो ना सॉर्टेड स्पर्म का यूज किया जाए, और ये सब करके आपको तो जो है मालूम पड़ा के 100 गायों को रखना है तो 100 गायों का सेट बनाने वाला सेट बना जाए, उसके ऊपर जिसको सोलर पैनल लगाना है वो सोलर पैनल लगा जाए, राइट। जैसे आपने गोबर गैस प्लांट का गोबर गैस प्लांट लगा लिया जाए, उसमें उसमें मीथेन से इथेन और सीएनजी बनाने का सिस्टम रखा जाए, ठीक है ना, तो वो एक हर चीज आपस में इंटीग्रेट होती है। जी माइक्रो कल्चर हो, जैसे कि वो जो है अपने आप में फर्टिलाइजर फैक्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। जी ऐसे ही जो है बहुत सारे एक्वा प्लांट्स हैं जिनमें कि सीधे पानी में जो है ना इट कैन एब्जॉर्ब एटमोस्फेरिक न्यूट्रिएंट्स एंड उसको सीधा जो है ना सॉइल में कन्वर्ट कर सकता है, वाटर में कन्वर्ट कर सकता है। जी तो वो सब चीजें करके, और यदि एक व्यक्ति करेगा तो उसे बहुत ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, राइट। यदि उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें तो उसका लाभ जो ना लोगों को एज ए प्रोडक्ट और सर्विस के बतौर मिल जाएगा। जी ज्ञान तो कितना समझेगा, कितना किया, कितना नहीं किया, राइट। फिर उसके पास रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, इसमें तो किसी की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी चीज हमें कल आपकी, मुझे अशोक का एक एक विषय पे काम करने वाले हमें बहुत लोग मिले कल, लेकिन जब मैंने आपको सुना तो आपका होलिस्टिक चिंतन है, मतलब आप समग्रता वाले कम लोग मिलते हैं। तो एक तो हमें आपका, दूसरा आपने सबसे बड़ी बात जो कही जो मेरे सबसे ज्यादा मन को छू गई, वो आपने कहा मैं LIC मॉडल पर काम करना चाहता हूँ। एक्चुअल एक अकेले ठीक होना आसान काम है, इस देश में हजारों लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन यदि LIC मॉडल यदि हो गया तो फिर उसको फैलाने में दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, वो तो फैलाने वाला इसलिए फैलाएगा क्योंकि उसको धन मिल रहा है, उससे धन मिल रहा है उसको। तो ये अप्रोच क्या है कि मान लो किसी को अच्छी एक चीज अच्छी लगी, उसने अच्छी चीज लगी तो उसने अच्छा खड़ा कर लिया भाई। जैसे जिस चीज को खड़ा करने में हमें 15 साल लगे, हम दूसरे व्यक्ति को इसको 6 महीने में खड़ा करा सकते हैं। वेरी ट्रू। मतलब जो मैंने खड़ा किया है या मैंने एक आत्मनिर्भर मॉडल बनाया है, अब हम इस आत्मनिर्भर मॉडल को, हम पानी तो आत्मनिर्भर बनने में 3 साल लगेंगे, लेकिन 3 साल में उसका 10 फुट पर पानी ला सकते हैं, 15 फुट पर पानी ला सकते हैं कहीं भी। हाँ, 8 से 10 फीट का जो है ना टारगेट है। दूसरी बात है कि अभी तो आपका छोटा सा एरिया है। जब आप अनुमान लगाइए कि सभी का जो है ना 1/10 एरिया जो है वो पानी के हार्वेस्टिंग के लिए यूज हो रहा है, और केवल पानी के लिए यूज नहीं कर रहे हैं उसको, आप एक्वा कल्चर के लिए यूज कर ले रहे हैं, उसमें सिंगाड़े उगाएंगे आप, एलगे उगाएंगे, उसमें जो है ना मछलियां उगाएंगे, उसमें आपने बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जिससे पानी और जल्दी नीचे चला जाए, जिसकी जड़ें नीचे जाती हैं, तो रेट ऑफ पर्कुलेशन बहुत हाई हो जाए, राइट। और बगल में यदि नाले से आपने जो स्ट्रीम जा रही है वहां से पानी रोक के किया तो बरसात में इतने आसानी से कहीं फ्लड की स्थिति निर्मित नहीं होगी। जी नहीं, पूरे देश में फ्लड को रोका जा सकता है,
और सूखे को रोका जा सकता है, फ्लड और सूखा, ये देखिए ये फ्लड जो है ऊपर का पानी है राइट, और सूखा जो है ना नीचे के पानी से बढ़ा लिया जाएगा, अब नीचे का पानी 8 फीट पे आ जाएगा तो सूखा किस बात का। जी जी जी, आप राहत लगा दीजिए, राहत से ही पानी इतना निकल आएगा। जी जी जी, राइट, एनिमल पावर का यूज हो जाएगा। जी 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 जी, तो बहुत अच्छा है, मतलब मैं आपके कॉन्सेप्ट पे मैंने कल से मैंने कई बार चिंतन किया इस विषय को लेके, और मैं आप जो है इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन अपना बनाइए, फोटोज लगाइए। प्रेजेंटेशन हम बना रहे हैं, मेरा बेटा है वो बना रहा है, उसने काफी कुछ बना लिया है प्रेजेंटेशन। ओके, तो जब आप रेडी हो जाए तो मुझे बताइए, तो फिर अपने एक सेशन करेंगे और हम बहुत जल्दी आपके यहाँ का राउंड भी ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी जी जी, क्योंकि देखो इसमें जो है किसान की बजाय हमें गांव में जो बेरोजगार लोग हैं उनको वर्क फोर्स के बतौर कन्वर्ट करना चाहिए। और दूसरी बात हमारी सोचना ये है, मालूम नहीं सारा भी शायद ये अंदर होगा, मैं ये देख रहा हूँ कि गांव-गांव में शराब पहुंच गई है, गांव-गांव में खराब चीजें पहुंच गई है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये हो रहा है, दारू पी के पड़े हुए हैं, तो लोगों की शारीरिक क्षमता बहुत खराब हो गई। वो मतलब वो मेहनत करने की सबसे बड़ी चीज है कि जिसको जिस काम में लाभ होता है वो चीज बढ़ती है। दारू को दारू बेचने में लाभ है इसलिए दारू वाला दारू बिकवा रहा है। ये अच्छे काम में क्या होता है कि हमें तो अच्छा काम, हमें जुनून आया, हमने खड़ा कर लिया, ठीक है, दूसरा क्यों खड़ा करे? आज के नौजवान लड़के क्यों करे? लाभ मिले उसको भी लाभ मिलेगा, बस उस वो ये LIC मॉडल है एक्चुअल। इस मॉडल के आधार पर बस इसमें एक सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि हम सभी को पोषण करने वाली व्यवस्था मतलब ऐसी हो कि जिसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्रेज मिल जाए, मतलब एक लड़का सोचे कि हम इसमें अपना जीवन लगा देंगे, क्योंकि उसमें उसकी घर गृहस्थी बच्चों का पालन जीवन ही नहीं लगाना है बल्कि उसको उसको स्वास्थ्य मिलेगा। हाँ। और उसको अच्छी इनकम मिलेगी। विदेश अकेले जो है ना श्याम बाबू जी क्यों घूमे, वो विदेश क्यों ना घूमे, तो उसमें जो है ना फॉरेन ट्रेवल का भी सिस्टम रहेगा। जी जी जी, गांव का वर्कर भी क्यों ना घूमे, अकेले किसान भी क्यों। हाँ तो और फिर जाके वहाँ पे इंट्रेक्शन हो, वहाँ के किसानों से बात करो, उनको बताओ तुम जो है ना इतने बड़े बड़े खेतों में कर रहे हो, हम देखो हमने जो यदि यदि संभव हो तो 15 नवंबर को, अभी टाइम भी पर्याप्त है, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती है, हम 15 नवंबर का प्लान कर रहे हैं कि 15 नवंबर को, चूंकि जो समाज का सबसे उपेक्षित वर्ग है वो झांसी ललितपुर जिले में एक सहरिया आदिवासी समाज है, मैं उसके बीच में काम भी कर रहा हूँ, मतलब मेरा रुचि है वो उस समाज में काम करना, मुझे अच्छा लगता है। तो बिरसा मुंडा जयंती वो लोग मनाते हैं हर साल, पिछली बार भी हमने मनाई थी, इस बार हम उसको थोड़ा बड़े बड़े स्तर पर मनाने की हमारी योजना है। तो हम ये चाहते हैं कि यदि बिरसा मुंडा जयंती पर यदि अभी से आप आने का और क्या काम है, ये तो आपका हॉबी होगी। हाँ, बकाया जी कि बेटा नौकरी करता है, बेटा की उम्र 23 साल है, वो यहीं सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी में प्रारंभ हुई है भारत सरकार की, तो उसमें फील्ड कम लेवल असिस्टेंट हो गया, वो पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था, अभी ग्रेजुएशन उसका पूरा होते होते ही उसकी नौकरी लग गई है। दो मेरी ट्विंस बेटियां हैं तो वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में है, एक CSA कहते हैं उसको, तो वो है उसमें पढ़ाई कर रही है। आपके बेटा और बेटियों की इसमें क्या भूमिका है? बेटा बेटी पूरी तरह से हमारे इस काम में सहयोग कर रहे हैं, मतलब बेटा तो पूरी तरह से सहयोग कर रहा है, क्योंकि हमारा घर और जो हमारा खेत है इस दोनों के बीच में यूनिवर्सिटी है, तो घर से खेत की दूरी 18 किलोमीटर दूर है, 9 किलोमीटर पे हमारी ये उसकी यूनिवर्सिटी है, तो चाहे वो तो वो भाई एक थोड़ा जो है कि हम बच्चों से निश्चिंत हो गए हैं कि हमें उसकी जॉब की चिंता नहीं करनी है, उसके उसकी चिंता नहीं करनी है। बेटियां जो है वो अपने ठीक है, पढ़ाई उनका कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और वो हमारे काम में पूरी उनकी रुचि है इसी काम को लेके, मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एनवायरमेंट, इन सब चीजों को लेके जो है एग्रीकल्चर एग्री इंडस्ट्रीज सब में बच्चों की रुचि है। तो कुल मिला के हम अकेले नहीं है, बेटा भी मेरे इस प्रोजेक्ट में साथ में है, दोनों बेटियां हैं और मेरी धर्मपत्नी पूरी तरह से बिल्कुल डिपोटेड है इस काम के काम में। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, तो जी ये कम हो पाता है कि पूरा परिवार इस काम में लग जाए, ऐसा काम कम होता है, क्योंकि नहीं तो पिताजी करके चला जाता है, बेटी की रुचि नहीं रहती है, बेटा दूसरे काम में लग गया तो पिता के मरने के बाद जो है वो काम भी बंद हो जाता है, तो वो हमें इस तरह नहीं, जब यदि संस्था के बतौर हो जाएगा तो फिर कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता। नहीं वो ठीक है, लेकिन संस्थाओं में भी होता क्या है कि देखिए
बहुत, चूंकि मुझे सोशल सेक्टर का बड़ा अनुभव है, मैं आरएसएस में प्रचारक रहा हूँ और सब चीजों में, तो जिसका जो विजन होता है, डॉक्टर हेडगेवार का जो विजन था, तो जितनी उनके अंदर इच्छा शक्ति थी वो तो बहुत बड़ा तंत्र खड़ा करके गए हैं, लेकिन जब तक जो काम को खड़ा करता है वो जब तक काम अच्छा चलता है, उसके बाद काम धीरे धीरे करके उस इच्छा शक्ति के लोग नहीं मिलते हैं। जैसे नानाजी देशमुख का चित्रकूट में है, तो नानाजी देशमुख के बाद काम चल रहा है और चलता रहेगा क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन बन गया है, लेकिन वो इच्छा शक्ति नहीं हो सकती जो नानाजी की प्रबल इच्छा शक्ति, जो आपके अंदर है, आग जल रही है, वो आग दूसरे को दे जाएंगे लेकिन उतनी नहीं दे सकते हैं जितने आपके अंदर है। तो वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता ही है, सारी दुनिया है, प्रकृति भी सब ऐसी चलती रहती है, एक जाता है दूसरा आता है, दूसरा आता है तीसरा जाता है, वो तो संसार का नियम है, कोई बात नहीं है। लेकिन मतलब यह है कि मैं अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ और बहुत ही आनंदित हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपना प्रोजेक्ट जब संघर्ष का टाइम था उस समय हम अपने काम को निकाल ले गए, अब तो चीजें आ गई, मान्यता मिल गई है, सामाजिक स्थान बन गया है, जो मजाक करते थे वो अब सम्मान देने लगे हैं, सब बहुत तरह की चीजें हैं। चलिए, तो हम 15 नवंबर को जरूर आएंगे। जी जी, 15 नवंबर का यदि आप अभी से कंफर्म कर देंगे तो हम थोड़ा सा उसको और मैनेज करेंगे, आपके इस मॉडल को, जो जिस जो आप चाहते हैं उस मॉडल को, हम मतलब क्राइम फ्री इंडिया वाला जो मैटर है आपका, उसको हम बहुत ही लोगों को मतलब वो सीधा सीधा दिखता है क्राइम फ्री इंडिया, लोग मतलब उसको देखना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं, इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे लोग जो है, कि हाँ यार ये तो अच्छी चीज है। तो इसमें जो है ना, आप एक ग्रुप बना के उनको जोड़िए, जो आपका नेटवर्क है इसमें जोड़िए। जी जी जी, मैं करता हूँ, क्योंकि क्योंकि मैं करता हूँ, अल्टीमेटली अल्टीमेटली फिर अपन को जो है ना एलआईसी मॉडल में जॉइंट वेंचर बना के, जी 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 मैं करता हूँ, सभी सभी लोगों को उसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है सर, जो है ना बेस्ट वैरायटी ऑफ सीड का से लेके मैं सब चीजों कर है ना करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।